नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दिनभर। मैं हूं शेख जुई। रुक करते हैं दिनभर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में मानसून की बारिश ने थोड़ी राहत दी है, लेकिन ये राहत ज्यादा दिन नहीं रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले एक दो दिन बारिश नहीं होगी, लेकिन 1 सितंबर से फिर से झमझम बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। हालांकि बारिश थमने के बाद भी तापमान में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है और ये 36 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। राजस्थान में पिछले दिनों कई जिलों में हुई भारी बारिश से खराब हुई फसलों की गिरदावरी करवाने के लिए सरकार ने सभी कलेक्टर्स को लेटर लिखा। इसमें सभी कलेक्टर्स को अपने अपने एरिया में बारिश से प्रभावित गांवों के सर्वे करने और वहां खराब हुई फसलों का आकलन कर किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। अलवर में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। मुंडावरा से कांग्रेस विधायक ललित यादव थाना अधिकारी के खिलाफ धरने पर बैठ गए। उनका आरोप है कि थाना अधिकारी अवैध वसूली में लिप्त थे और ग्रामीणों को परेशान कर रहे हैं। विधायक ललित यादव ने कहा कि ग्रामीणों के वाहन को जबरदस्ती बंद कर दिया जाता है और फिर एजेंटों के माध्यम से उनसे पैसे लिए जाते हैं। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में शुक्रवार को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का पहला रोड शो का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में 4.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के MOU साइन किए गए, जिससे राजस्थान में 6.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इस इवेंट के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि राजस्थान को रेड टेप से रेड कार्पेट पर ले जाने की मुहिम है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने 1984 सिख दंगा मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय कर दिया है। बता दूं, टाइटलर के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत मुकदमा चलेगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने Z+ सिक्योरिटी लेने से इनकार कर दिया है। सामने आई खबरों के मुताबिक पवार ने CRPF के अधिकारियों को लौटा दिया। दरअसल केंद्र ने शरद पवार को Z+ सिक्योरिटी दी है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 50 अशात कर्मियों की टीम को पवार के Z+ सुरक्षा कवर के हिस्से के रूप में चिन्हित किया गया है। झारखंड के पूर्व CM चंपई सोरेन ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी माने जाने वाले चंपई सोरेन काफी समय से नाराज चल रहे थे। बीते दिनों उन्होंने नई पार्टी बनाने का ऐलान भी किया, लेकिन फिर उन्होंने BJP में शामिल होने का फैसला लिया। रांची में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने BJP की सदस्यता ली। रेप और हत्या की घटनाओं को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक और पत्र लिखा है। ममता ने रेप और हत्या के जघन्य अपराधों पर कड़े कानून और सजा की मांग की है। साथ ही एक निश्चित समय सीमा में मामलों का निपटारा हो, इसकी भी मांग की है। CM ने कहा कि रेप के दोषियों को ऐसी सजा मिले जो नाजिब बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के वाक्य पर माफी मांगी है। 26 अगस्त को सिद्धुर्ग जिले में बनी 35 फुट की शिवाजी की मूर्ति ढा गई। मोदी बोले कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के श्री चरणों में गिरकर उनसे माफी मांगना चाहता हूं। PM मोदी ने यह भी बताया कि जब 2013 में उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया था, वो सबसे पहले रायगढ़ किले में गए थे और शिवाजी की समाधि के सामने बैठकर प्रार्थना की। श्रीगंगानगर के सदुल शहर के BJP विधायक गुरवीर सिंह बराड़ को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी दी गई। विधायक को धमकी के मामले में पुलिस प्रशासन में जमकर हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस ने एक आरोपी युवक को भी गिरफ्तार किया। आरोपी युवक ने सोशल मीडिया पर विधायक के लिए लिखा कि तुझे BJP का शहीद MLA मैं बनाऊंगा। आज खबर दिनभर में इतना ही। दिनभर की तमाम खबरों के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। शुक्रिया।